welcome students today we will learn about health and physical education class 7 lesson number 1 cardiovascular endurance and flexibility for more video subscribe to our channel shivans physical fitness exercise number 1 running for 10 minutes steps run along the border ऑफ द ग्राउंड एट मीडियम स्पीड फॉर टेन मिनट दस मिनट तक मध्यम गति से जमीन की सीमा पर दौड़े इंस्ट्रक्शंस। रनिंग फॉर टेन मिनट्स शुड बी डन एट अ कॉन्सेंट स्पीड। दिस एक्सरसाइज शुड नॉट बी डन वेन द टेम्परेचर इज हायर देन थर्टी फाइव सेल्सियस दस मिनट तक लगातार गति से दौड़ना चाहिए तापमान पैंतीस डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर यह व्यायाम नहीं करना चाहिए बेनिफिट्स Improves कार्डियोवेस्कुलर फैकल्टी इंक्रीजे stamina ऑफ द मसल यह व्यायाम दिल की सहन शक्ति में सुधार करता है और पैरों की मांसपेशियों की सहन शक्ति बढ़ाता है एक्सरसाइज नंबर टू ओवरटेक रनिंग स्टेप्स स्टैंड क्यू कतार में खड़े होना सेकंड स्टार्ट रनिंग दौड़ना शुरू करें थर्ड वाइल्स रनिंग द लास्ट वन इन द क्यू शुड ओवरटेक ऑल द अदर एंड कम रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द फर्स्ट वन स्टैंडिंग इन द क्यू दौड़ते समय कतार में अंतिम को अन्य सभी से आगे निकल जाना चाहिए और कतार में खड़े पहले व्यक्ति के सामने दौड़ते हुए आना चाहिए इंस्ट्रक्शंस द बॉय और गर्ल स्टैंडिंग लास्ट इन द क्यू शुड नॉट लिव हिज हर प्लेस कम come forward until the boy or girl overtaking him फ्रॉम द साइड रिच इज द फ्रंट केयर शुड बी टेकन नॉट टू ब्रश अगेंस्ट एनी वन इन द कतार में सबसे अंत में खड़े लड़के लड़कियों को अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए या तब तक आगे नहीं जाना चाहिए जब तक कि लड़का लड़की साइड को ओवरटेक करके सामने न आ जाए लाइन में किसी को टकराए नहीं इसका ध्यान दें बेनिफिट्स स्ट्रेंथ थाई मसल इंप्रूव रनिंग स्पीड इस व्यायाम से जांगों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और गति में सुधार होता है एक्सरसाइज नंबर थ्री रनिंग थर्टी मीटर विथ रेजनिंग घुटने उतारते हुए तीस मीटर दौड़ना स्टेप्स ड्रॉ अ स्टार्ट लाइन एंड 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 लाइन पैरल टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी मीटर एक दूसरे से समांतर प्रारंभ और अंतिम रेखा 30 मीटर की दूरी पर खींचे बिफोर रनिंग स्टार्ट परफॉर्म द रनिंग मोमेंट एट द सेम प्लेस बाय रेजिंग द नी एज हाई एज पॉसिबल दौड़ना शुरू करने से पहले घुटनों को जितना हो सके ऊपर उठाकर उसी स्थान पर दौड़ने की क्रियाएं करें देन स्टार्ट रनिंग फॉरवर्ड इन अ सिमिलर मैनर एंड गो अप टू द एंड लाइन फिर इसी तरह से आगे की ओर दौड़ना शुरू करें और अंतिम रेखा तक जाए इंस्ट्रक्शंस: वाइल्ड रनिंग डू नॉट द नीज बैकवर्ड्स, कीप द अपर बॉडी स्ट्रेट दौड़ते समय घुटनों को पीछे की ओर न मोड़े ऊपरी शरीर को सीधा रखें। बेनिफिट्स: इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर फैकल्टी स्ट्रेंथेंस लेग मसल यह व्यायाम दिल की सहन शक्ति में सुधार करता है पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है एक्सरसाइजेस क्वेश्चन वन फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट रन अलोंग द बॉर्डर ऑफ द ग्राउंड एट मीडियम स्पीड फॉर डैश मिनिट्स आंसर इज टेन सेकंड ड्रॉ द डैश लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी मीटर पैरेलल टू द स्टार्ट लाइन आंसर इज एंड थर्ड Care should be taken not to dash anyone in the line. Answer is brush against. Question number 2 Answer the following questions. First, what are the instructions to be followed when running for 10 minutes? Answer Running for 10 minutes should be done at a constant speed. This exercise should not be done when the temperature is higher than 35 Celsius. Second, how should one run during overtake running? Answer Whilst running, the last one in the queue should overtake all the others and come running in the front one standing in the queue. Third, what are the benefits of running 30 meter with raised knee? Answer is Improve cardiovascular faculty, strengthens leg muscles. Flexibility. एक्सरसाइज नंबर वन हिप्स वर्कआउट स्टेप्स फर्स्ट सिट विथ लेग स्ट्रेच इन द फ्रंट पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठे सेकंड प्लेस द लेफ्ट हैंड ऑन द ग्राउंड बिहाइंड बाएं हाथ को पीछे जमीन पर रखें थर्ड लिफ्ट द लेफ्ट लेग एंड प्लेस द लेफ्ट फुट ऑन द आउटर साइड ऑफ द राइट थाई

इंस्ट्रक्शंस डो नॉट जर्क वेन टर्निंग द नेक और द वेस्ट कमर को और गर्दन को मोड़ते समय झटका न दे बेनिफिट्स नेक आर्म वेस्ट लेग्स एंड हिप्स आर स्ट्रेच इस वहम से गर्दन बाजू कमर पैर और कूले को खिंचाव प्राप्त होता है एक्सरसाइज नंबर टू लेग्स वर्कआउट स्टेप्स फर्स्ट स्टैंड इरेक्ट फेसिंग अ वॉल दीवार की ओर मुंह करके सीधे खड़े हो जाए विदोर्ट ऑफ द वॉल दहने हाथ से दीवार का सहारा ले होल्ड द लेफ्ट फुट विद द लेफ्ट हैंड एंड पुल इट टूअर द हिप्स बाए हाथ से बाए पेर को पकड़े और अपने कूले की ओर खींचे रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन मूल स्थिति में लोट आए रिपीट एक्सरसाइज विथ द अदर लेग दूसरे पेड़ से व्यायाम दोहराए इंस्ट्रक्शंस डो नॉट स्टैंड टू फार फ्रॉम द वॉल दीवार से ज्यादा दूर न खड़े हो बेनिफिट्स द एंकल्स एंड फ्रंट साइड ऑफ थाई गेट स्ट्रेच इस व्यायाम से टकनों और जांगों के आगे की ओर की तरफ से खिंचाव मिलता है एक्सरसाइज नंबर थ्री शोल्डर स्ट्रेच विथ रियर सपोर्ट स्टेप्स सिट विथ स्ट्रेट टूगेदर इन द फ्रंट पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठे प्लेस द हैंड ऑन द ग्राउंड बिहाइंड कीप शोल्डर लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द आर्म फिंगर शुड बी पॉइंटेड बैकवर्ड हाथों को पीछे की ओर जमीन पर रखे दोनों हाथों में कंधे इतना अंतर ले उंगलियां पीछे की ओर होनी चाहिए थर्ड पुटिंग प्रेशर ऑन द टॉच एंड दिल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड एंड अपवर्ड एज मच एज पॉसिबल पंजों और एडियो पर दबाव डालते हुए शरीर को इस प्रकार आगे की ओर और ऊपर की ओर संभव हो उतना उठाए इंस्ट्रक्शंस डू नॉट बेंड आर्म एट एल्बो हाथों को कोहनियों में न मोड़े बेनिफिट्स इनक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द शोल्डर मसल इस व्यायाम से कंधो के मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ता है एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग द हिप्स आंसर नेक आर्म वेस्ट लेग्स एंड हिप्स आर स्ट्रेच सेकेंड हाउ शुड वन स्टैंड वेन वर्किंग आउट विथ द लेग्स answer stand erect facing a wall third what should be the position of arm during shoulder stretch with rear support answer place the hand on the ground behind keep shoulder length distance between the arm fingers should be pointed backward